और आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, बैटल ऑफ बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के बयान पर बवाल मचता लगातार जा रहा है, सियासी बवाल अब देखने को मिल रहा है। बता दें टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर तक की बात कही गई है। दरअसल देवी सीता पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप टीएमसी सांसद पर है। सीता के हरण पर उन्होंने टिप्पणी की, विवादित टिप्पणी की थी और इसी के बाद में बीजेपी ने कल्याण के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराई है। एक बार पहले आपको सुनाते हैं आखिर क्या कहना है टीएमसी सांसद कल्याण का। हमें कहते बोलते बोलो भाग्यिस रावण আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় ভয় যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তর প্রদেশে হাতরাসের দোষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। तो सुना आपने आखिर किस तरह का विवादित ये बयान दिया, ये टीएमसी सांसद है कल्याण बैनर्जी। और कल्याण बैनर्जी को आपने सुना हिंदू धर्म पर किस तरह से बात उन्होंने कही, देवी सीता को लेकर उन्होंने किस तरह से बात कही। सीधे रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, मेरे सहयोगी तपस और विद्या नाथ झा इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, विद्या अगर जिस तरह से इस समय पूरा माहौल है ये कहा जाए कि एक अलग तरह की राजनीति जरूर नजर आती है, इस पर हम सवाल करें, लेकिन बताएं कि बीजेपी नेता ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का टीएमसी पर जमकर निशाना है, उन्होंने कहा कि टीएमसी ने देवी देवताओं का अपमान किया और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि टीएमसी की नीति ही तुष्टीकरण की है। 2021 में जनता टीएमसी को सबक जरूर सिखाएगी, लॉकेट चैटर्जी ने यह बयान दिया है। महिला सीएम के बाद भी बंगाल में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, लॉकेट चैटर्जी का गंभीर आरोप। पहले अपने राज्य को देखे सीएम ममता और उसके बाद में फिर इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देती। दरअसल जिस तरह से टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने बयान दिया उसके बाद में एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग तरह का विवाद सामने आया। विवाद होना लाजमी भी है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू धर्म को निशाना बनाते हुए ये बयानबाजी दी गई, देवी सीता पर अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की, देवी सीता पर विवादित बयान उन्होंने दिए, अब इसके चलते बीजेपी ने टीएमसी सांसद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। देखिए कल्याण बैनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है ये बहुत निंदनीय है, ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता माँ को जो गाली दी है कल्याण बैनर्जी ने। आप देखिए ममता बैनर्जी के वो राइट हैंड है, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। मैं कह पूछता हूँ ममता बनर्जी से, ममता जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीता माँ और भगवान राम के लिए किया गया है क्या किसी और धर्म के लिए आप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं और करना भी नहीं चाहिए। आप केवल और केवल तुष्टिकरण के लिए हिंदुओं के भावना के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, माफी मांगना चाहिए और आने वाले चुनाव में सभी लोग सत्य देख रहे हैं, जवाब टीएमसी को जरूर मिलेगा। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टिकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रेप पश्चिम बंगाल में होता है, आप लोग जानते हैं। संस्थाओं की मर्यादा, हमारे आदर्शों की मर्यादा खंडित करने में तृणमूल के जो असामाजिक तत्व है वो जनप्रतिनिधि बन गए होंगे लेकिन उनकी भाषाई मर्यादाएं सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। और मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट है जो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, ये उसका परिणाम है।
तो सुना आपने किस तरह से अब निशाना साधा जा रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ, तपस और विद्या नाझा हमारे साथ में मौजूद हैं। विद्या, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एक अलग तरह की बयानबाजी, एक अलग तरह की राजनीति नजर आती है, लेकिन जो स्तर हिंदू देवी देवताओं को लेकर भाषा का यहाँ पर नजर आता है, सवाल उठना लाजमी है किस तरह की कार्रवाई की जा रही है अभी। देखिए नयन, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ध्रुवीकरण जो है हिंदू मुसलमान को लेकर है। 30% के करीब आबादी है मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में, और इसीलिए टीएमसी को ये पहले से पता है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैदराबाद से पश्चिम बंगाल आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ जो मौलाना हैं या फिर जो मुस्लिम नेता हैं जो चुनाव में उतरना चाहते हैं उन लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है। टीएमसी अपना कार्ड खेल रही है। टीएमसी को लगता है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट की जो बात लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार पर आरोप लगते रहे हैं, जो बात होती रही है उस पर ममता बनर्जी अब ये कोशिश कर रही हैं, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी कल्याण बनर्जी जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो एक वर्ग है ये वर्ग उनके साथ बना रहे, और इसके लिए चाहे किसी का अपमान करना पड़े, धार्मिक रूप से किसी की भावना को ठेस पहुंचाना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एफआईआर न सिर्फ उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है बल्कि लगातार बीजेपी के नेता हैं लॉकेट चटर्जी या फिर बीजेपी के जो दूसरे पश्चिम बंगाल के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर माफी मांगनी चाहिए कल्याण बनर्जी को, और कल्याण बनर्जी ने हिंदुओं को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलकर आहत किया है। तो ऐसे में आप देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति है ये किस करवट बैठती है, किस करवट ये लेती है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में दिन बहुत ज्यादा बचे नहीं है। देखिए पहली बार पश्चिम बंगाल में वो नजारा दिखाई दे रहा है जो आज से पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। बिल्कुल विद्या, शायद यही वजह है कि अब हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हुए बयानबाजी की जा रही है। तपस, आप लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति देखते रहे, जरा आप कल्याण बनर्जी के बारे में बताइए, आखिर कल्याण बनर्जी कौन है और अभी किस तरह से अब कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। जी देखिए, कल्याण बनर्जी तृणमूल के हुगली से एमपी हैं और वो अपने इस तरह के बातों के लिए ही जाने जाते हैं। वो बहुत कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं और विरोधियों को निशाना साधते हुए इस तरह की बातें कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया ये सीधे तौर पर धार्मिक सेंटिमेंट को चोट पहुंचाया, जिसको लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी और आम आदमी के बीच भी एक नाराजगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है कि नहीं। जैसा हम जानते हैं हावड़ा के गुलाबरी थाने में उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से उन्हें 24 घंटे का मोहलत दिया गया कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं या फिर विड्रॉ नहीं करते अपनी ये स्टेटमेंट तो वो सड़कों पर आकर विरोध जताएंगे। लेकिन तृणमूल के किसी सूत्रों से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कहते हैं कि ये पार्टी का लाइन नहीं हो सकता, ये उनकी लाइन है। और हम जानते हैं कि बाखूबी की कल्याण बनर्जी इस तरह के विवादों में पहले भी घिर चुके हैं और अब भी ये हुआ है, लेकिन कम से कम जिस समय पर ममता बनर्जी अपनी छवि को ठीक करने की कोशिश करेगी, तुष्टिकरण की जो आरोप उन पर लगता आया है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनके खिलाफ ये आरोप लगाता आया है कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, और उसी टाइम पर जब ममता अपने छवि को सुधारने की कोशिश करी तभी उनके उनका एक राइट हैंड माना जाता है। सामने आते हैं, वाकई में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर टीएमसी का क्या रुख रहता है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में। बता दें जिस तरह से टीएमसी सांसद ने बयान दिया उस बयान के बाद में वीएचपी ने भी टीएमसी पर निशाना साधा है। वीएचपी ने कल्याण के बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विनोद बंसल ने कहा है कि 2021 में अब जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। सुनिए आप भी। देखिए, पता नहीं कुछ लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते करते अपनी गंदी हरकतों की पराकाष्ठा तक चले जाते हैं। आखिरकार क्या हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मानवंदियों और भगवा पर आक्रमण किए बिना उनकी राजनीतिक रोटी नहीं छिकती? मुझे तो लगता है कि एक और बनर्जी ने ममता का कल्याण कर दिया। अब बंगाल की जनता जैसे पहले कम्युनिस्टों से मुक्त हुई थी, अब इस टीएमसी से मुक्ति की राह देख रही है। वही इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताते हैं। जिस तरह से बयान सामने आया, विवाद बढ़ा, टीएमसी ने कल्याण बनर्जी के बयान पर बचाव किया है और टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि सीता जी का सबसे बड़ा अपमान तो बीजेपी ने किया है। ये टीएमसी की तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि बीजेपी जो राज्य है वहां पर महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध हो रहे हैं। आप भी सुनिए।
सबसे बड़ा अपमान तो सीता जी का बीजेपी किया, क्योंकि हम जब बचपन में जहाँ रहते थे हमारे पड़ोसी में बहुत लोग थे जो कि हिंदी भाषी है, वो लोग गाना भी गाते थे और प्रार्थना भी करते थे और हर समय सुबह अगर भेंट होता है तो जैसे हम लोग नमस्कार कहते हैं, सुप्रभात कहते हैं, वो लोग कहते थे जय सिया राम। अभी सिया को छोड़ दिया, सिर्फ जय श्री राम। सीता जी को छोड़ दिया बीजेपी ने, क्यों छोड़ा? सीता जी को क्यों छोड़ा गया? और सीता जी को अग्नि परीक्षा क्यों देने पड़ा? आज की सीता जी को भी, आज की सीता को भी अग्नि परीक्षा देने पड़े? सारा हिंदुस्तान में सीता को ही अग्नि परीक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पिटाओ और बेटी मिटाओ हो गया। उस स्लोगान को चेंज करके अभी बेटी पिटाओ और बेटी मिटाओ। वो काशी में बनारस यूनिवर्सिटी में रात के अंधेरे में पुलिस घुस के हॉस्टल में, उसको वुमेन्स हॉस्टल में वो लड़की लोग को पिटाया किया था 2 साल पहले, वहां से शुरुआत। और अभी रेप और मर्डर तो एकदम जितना जहां बीजेपी का राज है ये सिलसिला चल रहा है, बेटी पिटाओ बेटी मिटाओ। सीता जी का बात कर रहे हैं, सीता जी का नाम भूल गए वो लोग। जय सिया राम, अभी सिर्फ जय श्री राम कैसे बना, क्यों बना? जवाब दे पहले इसका। सुना आपने, ये टीएमसी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। विद्या आप भी सुन रहे होंगे, टीएमसी की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बात को लेकर वो इसका खंडन करें, क्योंकि जिस तरह से विवादित बयान दिया, लेकिन ये तो एक अलग तरह से बचाव करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। देखिए अब एक तरफ राम है और दूसरी तरफ सीता, और टीएमसी ने, देखिए कोई भी टीएमसी का नेता हो वो यूं ही कोई बयान नहीं देता नैना, जो पार्टी है पार्टी की लाइन है वो सभी नेताओं को पता होता है। ऐसे में अगर कोई इतना बड़ा नेता टीएमसी का कुछ कह रहा है तो इसके मायने हैं, और मायने समझना बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन चल रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगते हुए दिखाई देते हैं, लोग जब निकलते हैं तो जय श्री राम की बातें होती हुई दिखाई देती है। ये माहौल पहले नहीं था, ऐसी बातें पहले सुनी नहीं जाती थी। टीएमसी को ये जो बातें हैं ये अब ऐसा लग रहा है हजम नहीं हो रही है, और टीएमसी को लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि राम के नाम पर यहाँ पर बीजेपी के, यानी कि हवा का रुख बदल रहा है और टीएमसी शायद इस बात को समझ रही है। बिल्कुल तपस, आपसे भी इस बात को लेकर रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं कि ये तो लाइन नहीं है टीएमसी की, लेकिन अभी भी टीएमसी की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऐसे स्पष्ट बयान नहीं दिया गया। क्या ये माना जाए कि माफी मांगेंगे? अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी? जी देखिए, जितना मैं तृणमूल कांग्रेस को जानता हूँ, उनके तरफ से अभी कोई बयान शायद ही आ सकता है, क्योंकि ये पार्टी का एक नैरेटिव रहा है, और खासकर कल्याण बनर्जी जो ममता के बहुत खासम खास माने जाते हैं, उनके खिलाफ जाकर पार्टी में बोलने वाला कोई शायद ही कोई शख्स मिलेगा। लेकिन अभी पार्टी के अंदर ये बातचीत जरूर हो रही है, इतना मुझे मालूम है कि इस चीज को मीडिया के सामने किस तरह रखा जाए। एक तरफ हो सकता है कि उनका निजी बयान के तौर पर बोला जाए, अगर ये निजी बयान है तो फिर वो राजनीतिक मंच से ये बयान परसों शाम को उन्होंने दिया था, तो ये किसी भी तरह से निजी बयान नहीं हो सकता। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब देखने वाली बात है कि आगे आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।